राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई। कई नेताओं और वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में भाजपा नेता प्रियंगू पांडे की कार पर फायरिंग हुई। प्रियंगू ने बताया टीएमसी के लगभग 50-60 लोगों ने हमला किया। गाड़ी पर 6-7 राउंड फायरिंग की और बम फेंके गए। ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी है, 1 गंभीर है। नादिया और मंगलबाड़ी चोरंगी में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। टीएमसी समर्थकों ने भाजपाइयों पर लाठी डंडे से हमला किया। बनगांव और बारासात दक्षिण में ट्रेनें रोकी गई। भाजपा 27 अगस्त को कोलकाता में छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और उन्हें हिरासत में लेने का विरोध कर रही है। बंगाल बंद पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई को रेप मर्डर केस की जांच सौंपे, 16 दिन बीत गए हैं, कहा है न्याय। सीएम ने कहा भाजपा बंगाल को बदनाम कर रही है। भाजपा ने कभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग नहीं की है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।